आफरीन जी, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी वालेकुम अस्सलाम मैम। हैं? हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम साहब, वाले सलाम। आप बहुत दुबले हो गए थे साहब। हाँ, दुबला भी हो और गया, बीमार भी हो गया, बुढ़ा भी हो गया, नहीं, हराम। बुढ़े तो नहीं है आप, किस्मत है आज भी, लेकिन आप तबीयत नहीं ठीक है तो थोड़ा फर्क हो जाता है। वो है हाँ, देखिए, बहुत दिन से शूट नहीं हो पा रहे थे, तो मैं हूँ, या कभी ये भी बीमार पड़ जाती है हमारी शैलजा, कभी आजकल वो भी बीमार चल रही हैं अच्छा शगुफ्ता। तो ज़रा सी भी तबीयत ठीक होती है तो हम चाहते हैं कि हम आपसे जुड़ जाएं और पुरानी शिकायतें कम हो जाएं। जी हम आप तीनों के लिए दुआ करते हैं कि बस सही रहें, खुश रहें, सलामत रहें। शुक्रिया। हजी सर, हमें ये जानना था, कल आप पुराना रिपीट आपका वैसे भी देखते ही हैं, तो उसी में देख रहे थे तो आपने किसी कॉलर को बताया था दूध और खसखस का कुछ नुस्खा बताया था, दिमाग की कमजोरी में भी मतलब है तो उसको फिर पकाया जाएगा, क्या है वो नुस्खा, कैसे बनेगा नहीं पता, मतलब अब आपसे पूछ रहे हैं, उसको खीर बना के आपने बताया था, सिर्फ बनाया जाएगा क्या है वो कैसे बनेगा, उर्दू चैनल पे आपने बताया था शगुफ्ता मैम के साथ थे, ठीक है, और ठीक है। वो कैसे बनेगा, और आपके लिए एक शायरी है अर्ज करें। इर्शाद इर्शाद। दिली मिली हयात ही ऐसी कि हया भी रो पड़ी है, तेरी तलाश में जालिम सजा भी रो पड़ी है, ओह वाह। तुझे टूट कर चाहा और चाहा इतना, तेरी वफा की खातिर वफा भी रो पड़ी, वाह वाह वाह। मेरा मेरा नसीब, मेरी किस्मत, मेरा मुकद्दर, बिना तू तुझे मांगते मांगते दुआ भी रो पड़ी। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत कोशिश की है, वाह। जी और आपके इंतजार में हमारे चैनल की हवा भी रो पड़ी है, और बहुत मेहनत की है आपने इसमें। मैं जानता हूँ कि आपके लिए बहुत मेहनत होगी इसमें, मेरे लिए शायरी करना बहुत आसान हो गया, क्योंकि मैं तकरीबन 45 साल से शायरी कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी शायरी करना आप जैसे लोगों के लिए बहुत मेहनत का काम है। बहुत मुबारक, आप शेर कहने लगे। और वो जो नुस्खा आप जानना चाहते हैं वो ये है कि तकरीबन 100 है उसका, 100 ग्राम खशखाश और 1 लीटर दूध, ये रेशो है। इसको या तो खशखाश को पका लें या पीस लें, पाउडर बना लें और इसको उस दूध में डाल दें, या साबुत भी डाल सकते हैं। साबुत डालने में ज़रा ये है कि मुश्किल से गलती है, तो दूध को हल्की आंच पर पकाते रहें और ऐसे पकाएं कि जब हम उसे पकाते रहते हैं तो वो खोया बन जाता है, खोया जिसे मावा कहते हैं, रंगी को नारंगी कहें और बने दूध को खोया, वो है ना शेर, तो वो खोया बन जाएगा, यानी मावा बन जाएगा जिससे मिठाइयाँ बनती हैं। तो इस रेशो से आपको बनाना है, तकरीबन ये 600 ग्राम रह जाता है, तो उसका 1 चम्मच एक बार खाना चाहिए। रात को सोते वक्त एक छोटा चाय का चम्मच इस खोए को खाया जाए, तो ये बला का मुकवी यानी ताकतवर है, दिमाग की ताकत के लिए। और इसमें लोग ये भी करते हैं कि ड्राई फ्रूट अपनी पसंद के काट के मिला लेते हैं,
बादाम हैं, पिस्ते हैं, काजू है, ये भी मिलाकर, या उसके साथ ही पीस कर डाल देते हैं जो वो मिक्स हो जाते हैं। तो एक चम्मच खुराक है, दिमाग की खुराक है, आप भी ले सकते हैं।